हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज मैं तुहाडे लई एक नवी गतिविधि लैके आया हाँ, जिस दा नाम है क्ले तों घड़ा बनाउणा। तां इह मैं क्ले तों घड़ा बनाया होया है, तुसीं वी इह गतिविधि आसानी नाल घर विच बच्चिआं नूं करवा सकदे हो। इस गतिविधि नूं करवाउण दा मुख उद्देश बच्चिआं दे हत्थां दीआं छोटीआं मांसपेशीआं हुंदीआं हन, जिवें उंगलां दे पोटे अते तलीआं दीआं जो मांसपेशीआं छोटीआं, जिस नाल उहनां दी पकड़ मजबूत हुंदी है, वो चंगी तरह हर चीज़ नूं फड़ सकते हैं। उन्हां दा विकास करना है अते बच्चों में क्रिएटिविटी जां रचनात्मक विकास करना है। एक क्ले मैं घर में ही आटे तो बनाई है। इस नूं किस तरह बनाउणा है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिता हुआ है। तुसीं उत्थों जाके वीडियो देख के इस क्ले नूं घर में बना सकते हो, जां तुसीं नॉर्मल मिट्टी भी लै सकते हो। तो इस एक्टिविटी नूं किवें करना है, आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला असी जो साड़ी क्ले है इसमें ही तीन भागों वंड है। तुसी देख रहे हो कि ये एक वड्डा गोलाकार है, इस तो छोटा तो सब तो छोटा। तो असी सब तो पहला ये बच्चों को इस तरह देना है, तो उन्होंने कहना है कि इस इस तरह गोल गोल बनाओ। फिर असी यह मार्कर लेना है, इसनों इस बिल्कुल सेंटर में इस तरह लगा देना है। बच्चों को कहना है कि इस दे उपर उपर इस मार्कर नूं कवर कर दिओ। उस तो बाद असी यह दूसरा गोला लेना है, बच्चों को कहना है कि इस दी बत्ती बनाओ लंबी। तो जो तो बच्चे इस तरह इस दी बत्ती बनाउणगे, तो उन्होंने तलियां दियां ते पोटियां दियां जिवें कि तुसीं देख रहे हो मैं वरतों कर रहा हाँ, एक्सरसाइज होएगी, उन्हां विच मजबूती आएगी। तो इस तरह बच्चे बत्तियां बनाउणियां भी सीखणगे। तो जदों यह बत्ती इस तरह बन जाए, तो असी बिल्कुल इस दे उपर इस नूं लगा देना है। तुसी देख रहे हो कि मैं किस तरह इसनूं लगा रहा हाँ, मैं तुहानूं बिल्कुल नेड़े तो दिखा रहा हाँ। तो इस नूं थोड़ा जिहा दबा देना है, फिर असी इस मार्कर नूं आराम नाल हिलाउंदे हुए विच्चों इस तरह कढ देवांगे। तुसी देख रहे हो कि साडा घड़ा आलमोस्ट बन के रेडी है, असी इस नूं दबावांगे। हुण असी इस घड़े दा जो ढक्कण है ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗੋਲੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੜੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਢੱਕਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।